सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है सभी का सक्सेस की 98 में और आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड असम्पशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पहले इस और आज का क्लास बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि पूरा कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपको एटलीस्ट आज समझ में आ जाए। और पहले आपको ये बता दूं कि बच्चे लोग एक साल दो साल पढ़ने के बाद भी ना ये टॉपिक समझ नहीं पाते और ये टॉपिक आपका प्री का नहीं है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना मेंस के, जाकर उससे उनसे पूछे कि ये एटलीस्ट 15 या 10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। अगर इस पर आपका लॉजिक क्लियर है ना तो कम से कम 4 या 5 तो सही कर ही लेंगे 100%। और वो 4-5 नंबर क्या मैटर करता है रीजनिंग सेक्शन में, आप जाकर उन बच्चे से पूछो जो बच्चे 2016 के IBPS PU मेंस दिए थे या फिर जो रिसेंट में SBI PU मेंस दिए थे। 10 नंबर भी बच्चे बना नहीं पा रहे थे, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 60 मिनट टाइम था आपके पास, लेकिन 10 नंबर भी 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे 60 मिनट में। तो समझिए लेवल कितना हाई है। और मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया, तो आप इजली 4-5 नंबर इससे ही स्कोर्स कर सकते हो। आपको सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक नहीं मिलने वाला है मेंस में। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपको, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करने वाला है, कौन सा, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, और साथ साथ में पजल। ये दो टॉपिक मेंस के लिए बहुत ईजी है और प्री क्वालिफाई करने से आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको जॉब कब मिलेगा, आप जब मेंस क्वालिफाई करोगे तब, तो आपको आज नहीं तो कल तो ये टॉपिक सीखना ही पड़ेगा। और बच्चे लोग एक साल डेढ़ साल दो साल पढ़ाई करते हैं फिर भी ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है। आज जब मैं क्लास करवा रहा था इस टॉपिक का, तो कुछ बंदी बोले थे कि भैया मैं इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग की थी, मैं नाम ही लूंगा, वहां के मैडम क्या बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन आते क्या करो, आप छोड़ देना क्योंकि इसमें अक्सर गलत हो जाते हैं। अरे आपका लॉजिक क्लियर नहीं है तो बच्चों को बेवकूफ क्यों बना रही है कि छोड़ देना। मैं क्या बोलता हूँ, आप कोडिंग डिकोडिंग छोड़ दो, न्यू पैटर्न वाले क्यों छोड़ दो, क्योंकि उसके लॉजिक बहुत ही क्या है, हार्ड है। उसके पैटर्न कितने बन सकते हैं किसी को नहीं पता है। अगर मैं ही एक पैटर्न बनाकर दे दूं एग्जामिनर को या फिर जो क्या क्वेश्चन सेट कर रहा है IBPS का, वो बंदा भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाले के कितने लॉजिक है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर देकर जाएगा। और ये मेंस एग्जाम में मैं क्या बोलता हूँ, मेंस में अगर आप 15 नंबर भी अटेम्प्ट करते हैं ना सही सही, तो आप क्या है आउट ऑफ 100% टॉप 20 में हो, टॉप 10 में हो। और ये टॉपिक ऐसा है ना, विश्वास मानिए, देखिए मैथ रीजनिंग सारे बच्चों का स्ट्रांग है, नो डाउट। अगर आपका स्ट्रांग है तो साथ साथ 80 बच्चे का भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपका ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आउट ऑफ 100 80 बच्चे का ये टॉपिक क्लियर नहीं है, अगर आपका क्लियर हो गया तो आप टॉप 20 में आ जाएंगे। तो ये टॉपिक का आप इंपॉर्टेंट समझिए, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। लेकिन आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा और ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, एटलीस्ट 30 मिनट या 40 मिनट क्लास होगा। देखो एक साल दो साल से आप एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आज तक क्लियर नहीं हुआ तो पूरा वीडियो देखिएगा आज का, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और क्लास में बच्चे क्या क्या क्वेश्चन रेज किए थे इस क्वेश्चन से मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर ये लाइव क्लास होता ना तो फिर तो आपका डाउट मैं और अच्छे से क्लियर कर पाता, लेकिन जो बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं उनका वो भी तो आपके तरह है ना, उनके माइंड में भी आपके तरह क्वेश्चन रेज हो रहा होगा। और मैं एक बात बता दूं, मैंने आज क्लास में टोटल 10 कराए थे टॉपिक, ठीक है ना, 10 में एक या दो ही उतना समझाने के बाद बच्चे लोग क्या हुए सही दे पाए, लेकिन फिर भी बच्चों को लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला है, अब अगर सम आगे आता है इस लॉजिक से तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। तो मैं आउट ऑफ 10 के टॉप 4% आपके पास लेकर आया हूं, जिससे मैं कोशिश करूंगा आपका भी क्या लॉजिक फंडा आज क्लियर हो जाए एटलीस्ट, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप माइंड में एक चीज लेकर चलना, अगर आज ये आप टॉपिक समझ जाते हैं तो फिर तो आप टॉप 10 या टॉप 20 में, क्योंकि 80% 90% बच्चों का आज भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है, जो मेंस दे रहे हैं या फिर जिनका बैंक में जॉब लग भी गया ना उनका भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है। और ये टॉपिक
किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पजल अगर नहीं बने मेंस एग्जाम में, और आपको पता है पजल कितना टफ आता है, अगर वो नहीं बने तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो यही है। तो ये स्टेटमेंट और एजम्पशन क्लास है। पहले मैं बेसिक समझाता हूं कि इसमें फंडा क्या है, इसमें करना क्या है, फिर सम पढ़ाऊंगा और सम सम से क्वेश्चन बच्चे क्या रेस कर रहे थे वो भी मैं बताऊंगा हमारे क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए स्टेटमेंट और एजम्पशन। स्टेटमेंट क्या होता है, जो बोल दिए वो क्या सत्य है, वो पत्थर की लकीर है। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोल दिया कि जो विराट कोहली है, विराट कोहली है वो सचिन का बेटा है, मैं क्या बोला स्टेटमेंट में, मैं स्टेटमेंट में आपको क्या बोला कि जो विराट कोहली है वो सचिन का बेटा है, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट बोल दिया गया है। आपको पता है कि विराट कोहली सचिन का बेटा नहीं है, लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट में बोल दिया ये बात, तो वो बात सत्य है, वो बात आपको माननी पड़ेगी। स्टेटमेंट में अगर मैंने बोल दिया कि विराट कोहली सचिन का बेटा है, मतलब है आपको ये माननी पड़ेगी, स्टेटमेंट है। अब देखिए स्टेटमेंट बनता कैसे है, इस केस में कुछ चीज एज्यूम कर हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। अब इसके दो एग्जांपल आएंगे, ठीक है, वन और टू, ठीक है। इसके बेस पर, इसके बेस पर ये चीज बनता है, इसके बेस पर ये चीज, इसके बेस पर ये चीज बनता है, ठीक है। एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाऊं तो देखिए, हम और मेरा दोस्त क्या है, एक बैंकर है, ठीक है, एक बैंकर है, मतलब हमारा एक बैंक है, समझ लो हमारा एक बैंक है, हमारा एक बैंक है, मेरा और मेरे दोस्त का एक बैंक है, ठीक है। हम लोग घर पे बैठ कर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि देखो आजकल की जो कस्टमर है, जो भी हमारी सर्विस लेने चाहती है, बहुत सारे कस्टमर का माइंड में तो ये भी क्वेश्चन आता होगा ना कि टाइम नहीं है, मैं बैंक पर जाकर खाता ओपन नहीं करवा सकती, उतना टाइम नहीं होता इंसान के पास, शनिवार रविवार छोड़कर। और आपको पता होगा कि सैटरडे एंड संडे बैंक ऑफ रहता है। जब हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो कस्टमर तो चाहते होंगे ना कि उनको होम डिलीवरी या हमारे एम्प्लॉय घर में जाकर उनका क्या बैंक अकाउंट खोल कर आए, फ्री सर्विस। तो ये चीज क्या हुआ, हम घर में बैठकर, मेरा और मेरा दोस्त का बैंक है, हम एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को कि चलो एक सर्विस खोलते हैं जिसका नाम क्या है, फ्री सर्विस, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए कि घर में जाकर हमारा एम्प्लॉय उनका खाता खोल दे, उनको बैंक भी आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम ये चीज एज्यूम किए, इस एजम्पशन से हमने एक स्टेटमेंट बना दिया। वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट ये था कि हमारा जो भी बैंक है, सक्सेस की 98, हमारा जो भी बैंक है वो एक एडवर्टाइजमेंट दी है, स्टेटमेंट में एक एडवर्टाइजमेंट दी है कि हमने एक फ्री सर्विस ओपन किया है जिसमें सारे कस्टमर को घर आने की, बैंक आने की जरूरत भी नहीं है, आपको घर में फ्री सर्विस मतलब बैंक अकाउंट जाकर खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कैसे बना, ये स्टेटमेंट बना जब हम कुछ एज्यूम किए, जब हम सोचे, जब हम डिस्कस किए अपने फ्रेंड के साथ कि बहुत सारे कस्टमर के पास टाइम नहीं है, उनको घर में जाकर खाता खोलवा दे, क्योंकि सबको पॉसिबल नहीं है कि घर बैंक आ सके मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो ये चीज एज्यूम किए, तो इस एजम्पशन से ये स्टेटमेंट बन गया कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि पब्लिकली कि घर एक सर्विस खुला है, फ्री सर्विस, जिसमें हमारे एम्प्लॉय आपके घर तक जाएंगे, ठीक है। अगर सेकंड एजम्पशन, अगर वही इस स्टेटमेंट के बेस पर एक एजम्पशन और आ जाए आपके पास, वो क्या कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बैंकों में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके वजह से क्या कर रहे हैं, हम एक और नया सर्विस खोल रहे हैं। ये एजम्पशन हम एज्यूम नहीं किए, ये एजम्पशन सेकंड वाला हम एज्यूम नहीं किए, ये हम बता रहे हैं कि आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आया है कि हमारा बैंक जो है सक्सेस की 98 एक फ्री सर्विस दे रहा है आपको, जिससे कस्टमर को बैंक आने की भी जरूरत नहीं है, हमारे एम्प्लॉय आपके घर जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट क्या खोल देंगे, ठीक है। ये था एडवर्टाइजमेंट। अब आपके पास इसका दो एजम्पशन होगा, पहला एजम्पशन ये होगा कि कस्टमर को क्या
फ्री सर्विस, बैंक में आने की जरूरत ना पड़े, ऐसा सर्विस चाहिए, ठीक है, पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल तो सही है ना, पहला एग्जांपल तो सही है ना, चाहिए तभी तो हम बोल रहे हैं, हम कस्टमर की फीलिंग को समझ पाए तभी तो ये चीज हम कर रहे हैं ना, तभी तो ये चीज कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, सही है। अब सेकेंड एग्जांपल ये था कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बैंकों में, दैट्स वाई हम अपनी सर्विस अच्छे करने के लिए क्या ये चीज खोल रहे हैं। तो ये हमारा गलत होगा, हमको बाकी बैंकों से, बाकी बैंक के कंपेयर कंपटीशन से मतलब नहीं है। यहां स्टेटमेंट में कहीं दिया गया है क्या, स्टेटमेंट में कहीं दिया गया है आपको कि बैंक में कंपटीशन है, नहीं दिया है ना, बिल्कुल नहीं दिया ना। और एक बात, स्टेटमेंट में जो दिया है वही आपको मानना है, अपने माइंड से ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इतना याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि जो एग्जांपल है वो क्या, किससे, जो स्टेटमेंट वो किससे बना है, एग्जांपल से बना है, ठीक है, क्या सोचकर हम ये स्टेटमेंट डालें। और प्लस और क्या सोचना है कि स्टेटमेंट और एग्जांपल क्या कोरिलेटेड है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना है वरना गलत हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग इसी को बोलते हैं, अक्सर बच्चे इस चीज को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। और एक बार और एक एग्जांपल लेते हैं आपको, और एक एग्जांपल सपोज कर लीजिए, एक स्कूल है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एक स्कूल में पानी भर गया है, एक स्कूल में पानी भर गया है, आपको बोला गया स्टेटमेंट में कि स्कूल में पानी भर गया है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट आ गया, स्कूल में पानी भर गया है। अब आपके पास एग्जांपल दिया है स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सही है, सही है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया, स्कूल में पानी भर गया है, अच्छा अगर पानी भर गया तो पढ़ाई नहीं होगा, इस चीज से ये चीज बना है, इससे ये चीज बना है, पढ़ाई नहीं होगा तो पानी भर गया, समझ में आ रहा है, नहीं है, इस चीज से ये चीज नहीं बना है, इस चीज से ये चीज नहीं बना है, ना ही ना ही ना ही। और ये जो रीजन है 100% क्या होना चाहिए, वैलिड। जब मैं ये कराऊंगा ना तो आपका और लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए 100% वैलिड रीजन, ना 25% ना 50% ना 75%, जो भी एग्जांपल हम मानकर स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 100% रीजन क्या होना चाहिए, वैलिड। और दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि जो ये एग्जांपल है वो स्टेटमेंट से कोरिलेटेड है कि नहीं, ठीक है ना, उससे ही जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये चीज भी आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, आप थोड़ा तो बाकी समझ गए ना, और मैं बताऊंगा कि बच्चे क्वेश्चन क्लास में रेस क्या कर रहे थे जब वो फंस रहे थे तो ये सारे सम करने में, ठीक है। एग्जांपल से क्या बनता है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट और ये क्या होना चाहिए, कोरिलेटेड, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, और अपने माइंड से ज्यादा नहीं सोचना है स्टेटमेंट के अलावा, उतने ही तक क्या रहनी है, सीमित रहना है, ठीक है, उतने तक ही सीमित रहना है आपको। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देकर बताऊं, सपोज कर लो एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं कि सीबीआई ऑफिसर, अच्छे से सुनना इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं, एक सीबीआई स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट है कि सीबीआई ऑफिसर को, सीबीआई ऑफिस, अच्छा सॉरी किसको, छोड़ो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा समझने में, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आप बेसिक समझ गए ना कि स्टेटमेंट कैसे बनता है, स्टेटमेंट जो पत्थर की लकीर बनी हो कैसे बन रहा है, कुछ चीज एज्यूम करके, कुछ चीज हम एज्यूम किए उससे क्या बन रहा है, स्टेटमेंट बन रहा है, और जो चीज भी एज्यूम करके स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 100% क्या होना चाहिए, रीजन वैलिड। और स्टेटमेंट और एग्जांपल दोनों से एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, अपने माइंड से स्टेटमेंट से ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, उसके लिमिट में ही सोच सकते हैं। और एक बार थर्ड, अपना माइंड भी हल्का यूज करना है लेकिन ज्यादा नहीं वरना गलत हो जाओगे।
और ये चार चीज कराऊंगा और बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या था जो जो बच्चे आज कर नहीं पाए। ठीक है, पहला देखिए, पहला समझाना, पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये है, अनएम्प्लॉयड अलाउंस। पहले आप देखो, मैं सम पढ़ूंगा, सम पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना, उसके बाद जब सॉल्यूशन देखोगे तो मैं सोचो तो बता दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करना कि आप कितने सही हो। ठीक है, देखो हो सकता है, और लॉजिक क्या, ऐसे मत बोलना कि फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला सही है, आप लॉजिक समझना कि लॉजिक क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट तो मतलब क्या 100% करेक्ट है, वो स्टेटमेंट है पत्थर की लकीर है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया यूथ अबव 18 ईयर ऑफ एज। जितने भी बेरोजगार नौजवान है इंडिया में, सबको क्या देना चाहिए, क्या देने की बात हो रहा है, सबको देना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, ये बोल रहा है जो भी 18 साल से बड़े हैं। ठीक है, अब आपके पास एंजप्शन क्या है, आप देखो, अब आपके पास जो एंजप्शन है वो क्या है, देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी पॉलिसी। पहला तो ये है, दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट हैज सफिशियंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। देखो जितने भी बच्चे क्लास में थे ना, पता है वो क्या बोले, अक्सर बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेजोरिटी में क्या बोले, भैया दोनों फॉलो करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोले, भैया ओनली वन या फिर ओनली टू या फिर नाइदर, किसी बच्चे का ये करेक्ट नहीं था। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा करेक्ट है। मैंने तो बोल दिया ना आपको, बेसिक करना क्या है, आपको स्टेटमेंट में ये बोला गया है करेक्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडिया यूथ अबव 18 ईयर ऑफ एज। इंडिया में जितने भी बेरोजगार नौजवान है 18 साल से ज्यादा वाले, उनको क्या मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये स्टेटमेंट देने से पहले हमने क्या अज्यूम किया होगा, आपको वो दो चीज बताया, आपको बताना है कि वो कौन सा अजम्पशन सही है, यही चीज पूछना, सिंपल है। अच्छा, ये स्टेटमेंट बनाने से पहले हम ये तो ये सोचे होंगे क्या कि देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे इंडिया में नौजवान हैं बेरोजगार जिनको मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सही है, जरूरत है, तभी तो हम ये क्या कर रहे हैं, तभी तो हम ये स्टेटमेंट दिए कि बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, ऐसे नौजवान है जिसको मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो हम ये बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडिया यूथ अबव 18 ईयर ऑफ एज। उम्र की बात छोड़ दो, उम्र क्या है नहीं पता है, उम्र इस स्टेटमेंट में भी नहीं बोला गया है। हम घर में क्या डिस्कस किए होंगे, घर में डिस्कस किए होंगे हम लोग आपस में कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, तो इस ये अज्यूम करने में ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब नंबर टू क्या है, इस पर भी बहुत सारे बच्चे क्लास में क्या बोले कि भैया ये सही है, लेकिन है ये अक्सर में गलत। आपको भी कुछ पल के लिए लग रहा होगा कि ये सही तो है, मैं बताता हूं कि गलत क्या है। आपको देखो मैंने क्या बोला था, ये assumption से जो जाएगा स्टेटमेंट बन रहा है उसके रीजन क्या होना चाहिए, 100% वैलिड, और ये assumption और क्या स्टेटमेंट को रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला तो सही है हर केस में, दूसरा वाला क्या है, द गवर्नमेंट है सफिशियंट फंड, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा सफिशियंट फंड है जो प्रोवाइड अलाउंस देगा टू ऑल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। ये गलत है, क्यों गलत है, देखो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा फंड हो सकता है और भी काम के लिए। हम ये बात पहले सोचे होंगे क्या कि मेरे पास बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, मेरे पास बहुत सब, अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो मैंने माइंड में पहले सोचा होगा मेरे पास बहुत सारा सफिशियंट फंड है, ठीक है, अलाउंस देने के लिए,
जो अभी बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब बेरोजगार है, ये तो बात नहीं सोचे होंगे ना। सफिशियंट फंड मतलब क्या होता है? अरे यार सफिशियंट फंड है तो बहुत सारे काम के लिए होगा, ये हम एज्यूम करके ये स्टेटमेंट नहीं बना सकते। एक तो ये गलत हो गया, और दूसरा भी एक रीजन क्या गलत होने का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो क्या है? यहां पर क्या बोला है कि जो भी नौजवान जो बेरोजगार है वो 18 साल से ज्यादा, उनको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो 18 साल से ज्यादा है। लेकिन एग्जेम्पशन में क्या बोल रहा है? टू ऑल। अच्छा, जो 18 साल से ज्यादा है ऐसे कोई बेरोजगार है क्या? जो 18 से एज के बिलो है वो बेरोजगार नहीं है? तो मैंने क्या बोला, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ऐसा सोचना है कि इस चीज से ये चीज बना हो और ये चीज इससे रिलेटेड हो। कहीं पर भी मेंशन किया गया है क्या स्टेटमेंट में कि सारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मिलेगा? कहीं मेंशन किया गया है? या फिर घर में जब हम एज्यूम कर रहे होंगे एक स्टेटमेंट देने के लिए, तो हम यहां ये एज्यूम किए होंगे कि सारे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट फंड, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट नौजवान है, जितने भी बेरोजगार नौजवान है, सबको क्या मिलना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट क्या अलाउंस। तो हम यहां क्लियर बोलते हैं ना कि यूथ टू ऑल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, यूथ टू ऑल अनएम्प्लॉयमेंट क्या यूथ अलाउंस, कि सभी को मिलेगा। लेकिन यहां पर हम क्या बोले, 18 साल से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनको ही जरूरत है, इसलिए हम क्या बोले 18 ईयर है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, टू ऑल। तो ये दो केस से गलत है, एक तो ये सभी को बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि सारे बेरोजगार नौजवान को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। तो ये तो पहला रीजन गलती है। दूसरा रीजन क्या गलती है कि गवर्नमेंट के पास सफिशियंट फंड है। अरे सफिशियंट फंड और कुछ काम के लिए भी हो सकता है ना, तो इस कहीं ये मेंशन किया गया है क्या स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा सफिशियंट फंड है कि दो दे दो बांट दो, ऐसा कहीं बोला है? तो कहने का मतलब क्या है, ये गलत है ये सही है। और बार बार क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी स्टेटमेंट हमारा बनेगा, जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एज्यूम करके बनेगा कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है। और ये रीजन 100% वैलिड होना चाहिए, ना 25% ना 50% ना 75%, ये रीजन 100% वैलिड। प्लस ये और ये क्या होना चाहिए, कोरिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। और स्टेटमेंट में जितना दिया है, जितना लिमिट, जितना बाउंड्री के अंदर है, जितना फाउंडेशन है, उसके अंदर ही अपने माइंड को चलाना है, उससे ज्यादा अपने माइंड को नहीं चलाना है, वरना गलत हो जाएगा। आप मानते हैं, अगर मैं बोलूं कि हमारे घर में एक चोर आ गया, ठीक है, उसको हम मार मार के क्या मर्डर कर दिए। अरे यार स्टेटमेंट में चोर आया था सिर्फ, मारने की बात नहीं हो रही अभी, तो ज्यादा नहीं सोचना है। अब लाख आपका रीजन वैलिड हो, रीजन बोल रहे हैं आपका राज थी, लाख आपका थिंकिंग क्या हो, सही हो, थिंकिंग गया तेल ले ले, आपको क्या स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। देखिए जब 4% कराएंगे ना तो आप बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी हैव रिक्वेस्टेड सोसाइटी मेंबर टू यूज देयर वाटर इकोनॉमिकली टू हेल्प सोसाइटी सेव ऑन वाटर टैक्स, ठीक है, ये था स्टेटमेंट। अब एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट, पहला एजम्पशन ये है। दूसरा क्या है, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। अब आपको बताना है, एक बार वीडियो पॉज करो, अपने माइंड में सोचो कि इसका क्या हो सकता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो फायदा नहीं होगा। मैं क्लास में बच्चों को यही बोला था कि पहले ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा, तो ठीक है ना, तो पहले आप खुद ट्राई करो। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर होगा क्या। क्या बोल रहा है कि चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी के जो भी चेयरमैन और सेक्रेटरी है ना, वो क्या बोले, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोसाइटी मेंबर से टू यूज देयर वाटर इकोनॉमिकली, अपने वाटर को इकोनॉमिकली यूज किया जाए, किस लिए, सोसाइटी में
टू सेव ऑन वाटर टैक्स, वाटर पे टैक्स बचाने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन? चेयरमैन एंड सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी की, किससे? सोसाइटी मेंबर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एग्जम्पशन क्या होगा? एग्जम्पशन पहला तो ये है, क्लास में कम से कम 30% 40% बच्चे क्या बोल रहे थे कि भैया वन नंबर फॉलो करेगा, जबकि वन नंबर आपका फॉलो जिंदगी में नहीं करेगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि स्टेटमेंट आपको पता चल गया क्या है, चेयरमैन और सेक्रेटरी हाउसिंग सोसाइटी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे मेंबर से, जो भी सोसाइटी के, कि अपने वाटर को इकोनॉमिकली यूज किया जाए, क्योंकि वाटर टैक्स सेव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट बना दू जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अज्यूम करके क्या मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट? अरे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे उससे क्या मतलब है यार? ये चीज हम कभी भी सोचा होगा क्या माइंड में कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर फॉलो करेंगे रिक्वेस्ट? अभी सोचे नहीं, पहले ही सोच लिया कि वो फॉलो करेंगे। आप बताइए, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पहले ही वो लाइकली टू फॉलो, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये मेंबर रिक्वेस्ट को फॉलो करने लगे, तो इससे ये चीज बना है। आप बताइए, इस चीज से ये स्टेटमेंट बना है क्या, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट? फॉलो करें नहीं करें क्या मतलब है? हम क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में? मैं स्टेटमेंट में क्लियर बोल रहा हूं कि मैं अपने जितने भी सोसाइटी में मरे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्या कि पानी पे वाटर टैक्स सेव कर रहा है, क्लियर। और यहां क्या बोल रहा है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू फॉलो द रिक्वेस्ट? अरे ये तो आंसर बोल दिया, ये तो क्वेश्चन, ये आंसर बोल दिया, ये क्वेश्चन, ये आंसर। हमको क्वेश्चन आंसर नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, एग्जम्पशन। इस चीज से ये चीज बना है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जम्पशन से स्टेटमेंट बना होगा तो ये चीज हमारा फॉलो नहीं करेगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आउट ऑफ 120% बच्चे इस चीज को नहीं कर पाते, जिनका बैंक में जॉब लग भी गया है ना, उनका भी आज तक ये क्लियर नहीं हुआ, या फिर वो भी बैंक के एग्जाम में ये टॉपिक छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे भी बैंक में जॉब कर रहे हैं वो भी आज तक ये कभी नहीं कर पाए होंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत हार्ड है तो समझना अच्छे से। दूसरा एग्जम्पशन क्या है हमारे पास, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर वेयर एवर पॉसिबल। अच्छा, जो चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी सोसाइटी है वो तो सोचा होगा ना, उसको क्या करना है, टैक्स सेव करना है, वो तो चाहता है कि कहीं से भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, रिड्यूस हो जाए, खर्चा 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 रिड्यूस हो जाए, जहां से वहां से पॉसिबल हो, जहां मन वहां से। पानी ही क्यों ना हो एक एग्जांपल, हमको क्या करता है, वो चाहते हैं, इट इज डिजायरेबल, वो चाहते हैं कि इनका खर्चा एक्सपेंडिचर क्या हो, रिड्यूस हो कहीं पर भी। अच्छा, इस चीज को मानकर हम ये चीज क्या किए, जाकर सोसाइटी में बोल दिए मेरा वाटर पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे मेंबर से कि प्लीज क्या कीजिए, आप वाटर इकोनॉमिकली यूज कीजिए, ठीक है, जिससे वाटर पे टैक्स बढ़ सके। हम पहले सोचे होंगे क्या कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इस चीज को हमको बताना पड़ेगा कि वाटर पे क्या आप इकोनॉमिकली यूज कीजिए, क्योंकि वाटर पे टैक्स बच सके। अच्छा, वो वाटर पे टैक्स क्यों बचा रहा है, क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। पहले तो माइंड में ही आया होगा ना कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, जाकर कुछ करना पड़ेगा, तो जाकर बोलते हैं अपने मेंबर से कि आप एक काम कीजिए, पानी पर ही कीजिए। तो क्या बोल रहा है, पानी पर हो या फिर किसी चीज में हो, उससे क्या मतलब है, यहां क्या बोला, वेयर एवर पॉसिबल, कहीं से भी बचना चाहिए। पहले तो पैसे की कमी हुई पॉकेट में, पहले तो पॉकेट में पैसे की कमी हुई, तभी तो माइंड में क्वेश्चन आया कि अब जो पैसा है वो कहां बचेगा, तो चलो जाकर बोलते हैं कि वाटर पे टैक्स आप सेव कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो माइंड में अजम्पशन सही हो सकता है ना, ये क्वेश्चन तो माइंड में आया ही होगा, इट इज डिजायरेबल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर आपका क्या है, द स्कूल एनवायरमेंट, द स्कूल एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट बी मेड फ्रॉम The school environment for the student be made free from fear. देखो इस क्वेश्चन में ना, मैं पहले आपको बोल दूं, इस क्वेश्चन में
अक्सर बहुत सारे बच्चे गलत थे यार क्लास में, बहुत सारे बच्चे गलत थे, एक या दो बच्चे ही सही थे, सारे बच्चे गलत थे। क्वेश्चन था क्या, द स्कूल एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट बी मेड फ्री फ्रॉम फियर ट्रॉमा एंड एंजाइटी टू मेक द राइट टू एजुकेशन अ ग्रैंड नेशनल मूवमेंट टू मेक ग्रेट नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लिए, द स्कूल एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट बी मेड फ्री फ्रॉम फियर ट्रॉमा एंड एंजाइटी टू मेक द राइट टू एजुकेशन अ ग्रेट ग्रैंड नेशनल मूवमेंट, ये था हमारा स्टेटमेंट। अब एजम्पशन क्या है, द राइट टू एजुकेशन मूवमेंट इज डिजायरेबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, द राइट टू एजुकेशन मूवमेंट इज डिजायरेबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, पहला एजम्पशन ये है। दूसरा क्या है, चिल्ड्रन फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एट स्कूल, बहुत सारे बच्चे बोले भैया दोनों सही है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट तो आप सभी समझ गए, स्टेटमेंट हमारा था क्या, स्टेटमेंट क्या है, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वहां बच्चे को क्या करना है, फियर डर से क्या करना है, भय मुक्त करना है, ट्रॉमा एंड एंजाइटी। अच्छा एंजाइटी मतलब क्या होता है, उतावलापन, ईगर, कंजियस, ठीक है ना, उतावलापन, टू मेक क्या बनाने के लिए, राइट टू एजुकेशन ऑफ ग्रैंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला चीज क्या था एंजम्पशन, हम क्या चीज सोच कर ये स्टेटमेंट बनाए होंगे, हम ये चीज सोच रहे होंगे क्या, द राइट टू एजुकेशन मूवमेंट इज डिजायरेबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कहीं भी सोसाइटी की बात हो रही है इस चीज में कि हमको एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाना है सोसाइटी के लिए, कहीं भी बात हो रही है स्टेटमेंट में कि हमको बनाना है इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, ये चीज सोचकर हम बना रहे हैं ये चीज। बहुत सारे बच्चे अभी भी बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल 100% गलत, क्यों, हम ये चीज सोचकर ये नहीं बना रहे हैं, हम क्या चीज सोच रहे हैं, मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आया था ये स्टेटमेंट देने वक्त, पहले माइंड में पहला चीज क्या हिट किया था, पहला चीज ये हिट किया था कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्या है डरे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे क्या है डरे हुए हैं, वो बहुत सारे स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, ट्रॉमा, उतावलापन है, तो पहले बच्चों को क्या करना है, भय मुक्त करना है, उससे क्या करना है, उनको भय मुक्त बनाकर क्या करना है, टू मेक द राइट टू एजुकेशन ग्रैंड नेशनल मूवमेंट, बात ये हो रही है ना कि हमको एजुकेशन को अच्छा बनाना है सोसाइटी के लिए, बात ये नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्या है डरे हुए हैं, कॉन्शियस है, ईगर है, एंजाइटी है, ट्रॉमा है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, उनको भय मुक्त करना है, जब उनको भय मुक्त कर देंगे तो क्या होगा, टू मेक द राइट टू एजुकेशन ग्रैंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये था हमारा स्टेटमेंट, तो इससे ये चीज नहीं बना है, लेकिन सेकंड एजम्पशन क्या है, चिल्ड्रन फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एट द स्कूल, तो ये 100% सही है यार, ये 100% सही है, क्यों सही है, अरे बहुत सारे बच्चे लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रेस फील कर रहे हैं स्कूल में, तभी तो हम सोच रहे हैं ना कि बच्चों को भय मुक्त बनाना है, जब भय मुक्त बना देंगे तभी जाकर क्या होगा, राइट टू एजुकेशन ग्रैंड नेशनल मूवमेंट बन पाएगा, यानी कि बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में क्या एंजाइटी फील कर रहे हैं, ट्रॉमा फील कर रहे हैं, कॉन्शियस है, एगर है, तभी तो सोच रहे हैं ना कि बच्चों को पहला मेरा मोटो क्या है, पहला मेरा मोटिव, पहला मेरा एम, पहला मेरा टारगेट क्या है, कि बच्चों को क्या करना है स्कूल में भय मुक्त बनाना है, तभी जाकर क्या होगा हमारा राइट टू एजुकेशन ग्रैंड नेशनल मूवमेंट में क्या होगा कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या 100% रीजन वैलिड है, इस चीज से ये चीज बना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड फॉलो करेगा, पहला फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब सोसाइटी के लिए अच्छा करना से क्या मतलब है बॉस, हम मेरा पहला प्रॉब्लम मेरे पास क्या आया, हम मेरा पहला एजम्पशन क्या था, रीजन कि बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम बच्चे के अंदर से डर खत्म हो जाएगा तब जाकर नेशनल ग्रैंड मूवमेंट बन पाएगा, पहला वाला सोसाइटी की जिक्र नहीं हो रही है इस चीज में, तो कैसे बोल सकते हैं कि ये सही है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप समझो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बनता कैसे, किसी भी एजम्पशन से बनेगा स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट से बनता है एजम्पशन,
और जो भी assumption हमारे पास दिया गया है ऑप्शन में, वो assumption फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो 100% रीजन क्या होना चाहिए, वैलिड, प्लस स्टेटमेंट और assumption को रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ वन क्या दिया गया है, फोर्थ वन में आपको ये बोला गया है an advertisement in the newspaper, एक क्या एक एडवर्टाइजमेंट छपी हुई है अखबार में, learn foreign language course को आप सीखिए to get a cash paying job, ठीक है, तो आपको क्या होगा to get a cash paying job, आपको ये देखो न्यूज़पेपर है। अच्छा पहले बता दूंगा कहां से बच्चे बोल क्या रहे हैं इस चीज को लेकर, ठीक है, स्टेटमेंट तो आप समझ गए ना कि स्टेटमेंट क्या था। अब आपके पास assumption दिया है कि आप क्या चीज assume करकर आप वो स्टेटमेंट बनाए। पहला था all those who learn foreign language get case paying job, ठीक है, पहला assumption ये था। दूसरा क्या है, only a foreign language case can get someone a high paying job। हमारे पास दो assumption है, किस assumption के बेस पर हम ये स्टेटमेंट बोले या फिर क्या correlated है दोनों से। पहला ऑप्शन क्या था, जितने भी फॉरेन, पहला बच्चे बहुत सारे बच्चे बोल लेते कि भैया ये गलत है, क्यों किस वजह से बोले कि बोले भैया ऑल दोस्त माने सभी को मिलेगा फॉरेन जॉब, कैश पेइंग जॉब मिलेगा। अच्छा एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल या एडवर्टाइजमेंट जब छपता है वो किसी एक आदमी के लिए नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5 सभी के लिए है, उसमें सब और आते हैं, तो मुझे जाके स्पेशली नहीं बोलनी है कि इस वर्ग के लिए या फिर इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट छपा है। न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट छपता हो तो हमको पता है ऑल के लिए, ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑल को बोलो या ना बोलो ये रीजन वैलिड है। तो ऑल दोस्त जितने भी हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे उनको कैश पेइंग जॉब मिलेगा, तो पहले तो ये चीज सोचोगे ना कि जितने भी लोग हैं उनको सब जॉब मिलना चाहिए, जितने पर्सन है फॉरेन लैंग्वेज सीखे होंगे। तो एक काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट क्या देते हैं कि जितने भी फॉरेन लैंग्वेज जो कोर्स सीखेंगे उनको जॉब मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने से अच्छा जॉब मिल रहा है, ठीक है, तो ये अजम्पशन तो 100% सही है, ऑल दोज़ हू लर्न फॉरेन लैंग्वेज गेट कैश पेइंग जॉब, इस चीज से ये चीज बना होगा और ये कोरिलेटेड भी है, स्टेटमेंट से ज्यादा भी नहीं सोचा हुआ है, स्टेटमेंट के लिमिट के अंदर ही